देश में दो दिनों बाद फिर कोरोना मामलों का आंकड़ा 40,000 से कम दर्ज हुआ है। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 35,342 नए कोरोना केस आए और 483 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले गुरुवार को 41,383 और बुधवार को 42,015 नए मामले आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 38,740 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 3,881 एक्टिव केस कम हो गए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4,00,000 से ज्यादा बनी हुई है। कुल 4,05,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,12,93,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,19,470 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,04,68,000 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 22 जुलाई तक देश भर में 42,34,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 54,76,000 टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक 45,29,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 16.68 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 1.3% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत 7वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।